इमरान खान के शपथ ग्रहण में मेहमान बनने के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तान लौट आए हैं। हिंदुस्तान लौटने के बाद सिद्धू ने सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज से बात की और उनके पाकिस्तान दौरे पर हो रहे विवाद पर उन्होंने सफाई दी है। सिद्धू ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने देश का कोई नियम नहीं तोड़ा। पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति के बगल में बैठने पर सिद्धू ने सफाई दी और कहा कि कौन कहां बैठेगा यह प्रोटोकॉल के हिसाब से तय था, इसमें उनका कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाने पर सिद्धू ने कहा कि कोई हाथ मिलाएगा तो हम क्या करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू से एबीपी न्यूज संवाददाता असीम बस्सी की ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। भारतीय क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के दौरे से वापस आए हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत और क्या मैसेज लेके आए हैं पाकिस्तान से, पॉजिटिविटी का, किस किन चीज़ों पे विवाद हुआ था उस पर क्या कहेंगे, जानेंगे उनसे। सिद्धू साहब, कैसा रहा पाकिस्तान का दौरा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रूटफुल, मेरी आस उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा। जब गया था तो मन में शंका तो कोई नहीं थी, लेकिन एक अननोन टेरिटरी में कैसा सलूक होता है, किस तरह का आचरण व्यवहार होता है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब वहाँ गया तो ये महसूस किया कि यार ये तो मतलब मेरे ख्वाबों ख्यालों से हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा अच्छा था। और जैसे मतलब बाहें बिछाए सारा मुल्क खड़ा है। ते एक उन्होंने गल कही कि जी सानू बहादुर बंदे बड़े पसंद है, तुसी बहुत बड़ी आपने बहुत बहादुरी की है कि जो आप हमारे पास आए। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम रेसिप्रोकेट करें, हम एक इसके रिएक्शन में, ये हमारे ऊपर है। जैसे कहते हैं ना, पैर नहीं लगने दिए धरती पे, वो बात थी भाई। आप दोस्त के लिए गए थे, इमरान खान के लिए, इमरान खान से कोई बात हुई हो तो बताएं, आपने शॉल भी गिफ्ट किया, आपने देखा। मतलब दोस्त बन के गया था तो दोस्ती की बातें हुई। सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे जब ओथ सेरेमनी हो रही थी तो वो आके बैठे तो उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, सारे आवाम ने देखा कि उन्होंने दिल पे हाथ रख के मेरी तरफ देख के यूं सिर झुकाया। मैं पूरी तरह से ही नीचे हो गया, मैंने भी दिल पे हाथ रख के नीचे सर झुकाया। ये जो था, मुझे लगा सारा जहान मिल गया। फिर वो ओथ सेरेमनी के बाद मेरे पास आए, मैंने कहते शाबाश, जो कीता है वो बहुत वधिया कीता है, वेलकम वेलकम। एंड फिर दूसरी बार कहा शाबाश। इमरान खान के लिए शॉल लेके गए थे, पसंद आई उनको, देखी उन्होंने अच्छे से, आपने तो पहना दी उनको। स्माइल देने लगे और बड़े खुश थे और बड़े, जिसे कहते हैं ना, खुशी से उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने और मेहता साहब ने वो शॉल उन्हें पहनाई और एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब चारों तरफ से। सब जनरल बाजवा को मिले आप उस सेरेमनी के दौरान, वो आपके पास आए, बातचीत हो रही थी, क्या बात हुई वहाँ पर, आपने क्लियर भी किया? वो फर्स्ट रो में, जब भी पहले मैं सेकंड रो में था क्योंकि वहाँ वो कोई किसी की मजाल क्या है कहाँ बैठना है वो प्रोटोकॉल तय करता है, समझे नहीं, और वो तो ये फंक्शन इंटरनेशनल था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपस्थित जलंधर चल रहे हैं, हाँ, और उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या आप फर्स्ट रो में बैठेंगे प्रोटोकॉल वाले। तो हम फर्स्ट रो में बैठ गए। फर्स्ट रो का एक नॉर्म है कि जो भी बड़े बड़े फौज के जनरल हैं वो सबसे हाथ मिलाते हैं जाके, जो मेन आर्मी नेवी और एयर मार्शल जो होते हैं वो हाथ मिलाते हैं। तो उसमें उसी दौरान पहले एयर मार्शल आए, फिर बाजवा साहब आए। एयर मार्शल ने भी बातें की लेकिन बाजवा साहब काफ़ी देर खड़े रहे वहाँ। तो पहली बात तो ये जाटपुरा वाली बात है, वो जाट हैं और वो बिरादरी है, चीम में जाट है, वो उधर भी हैं और तो इधर भी हैं। तो फिर उन्होंने बातों बातों में बात शुरू की। उन्होंने कहा यार मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, जनरल बन गया। मैंने कहा जी मैं फौज में जाना चाहता था, मैंने अपना टेस्ट पास किया, मेरे फादर ने जाने दिए, मैं क्रिकेटर बन गया हूँ और पॉलिटिशियन बन गया हूँ। जिंदगी, लाइफ इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। तो हंसने लगे, कहने लगे यार इस बार हम ये सोच रहे हैं कि जब आप बाबा जी का जन्मदिन मनाओगे 550वां साल,
तो हम करतारपुर वाला जो कॉरिडोर है उसे खोलने की सोच रहे हैं, और सरकार से ऐसा नहीं कहा उन्होंने हम खोल दें, मतलब सरकार की तरफ से। मैं कहा जी मतलब इससे बढ़िया, मतलब एक यकायक आपको इतना कुछ मिल जाए, सारी कायनात मिल जाए, और आप अरदास करते हो रोज के जो बिछड़े गुरुधाम हैं उनके दर्शन दीदारे हमें परमात्मा दे, तो जब बाबा नानक मेहर करने पे आते हैं तो ऐसे ही मेहर करते हैं। ये तो गुरुघर की बात की उन्होंने, और आपकी इस जफी का तो कुछ लोग यहाँ विरोध करने लग पड़े। ये बात एक भावना की है, कोई आदमी अच्छा बुरा नहीं, सोच की बात है। अब मैं अमन अमान का प्रतीक बन के गया था, जो मैंने कहा लोगों को इतना अच्छा लगा कि लोग जुड़ते ही चले गए। अब क्या करता भाई, कोई और विकल्प बता दे कि कोई आर्मी का बड़ा एयर मार्शल आपके पास आके हाथ मिलाए तो आप क्या कहोगे? आपको मेहमान बना के वहां दे, आप क्या करोगे? मुझे कोई और विकल्प बताओ। आप मतलब सलीके से ही बात करोगे ना। अब शांति दूत जाते हैं, अम्बेसडर जाते हैं, वो बैट दे के आए, कोई कुछ दे के आता है, कोई कुछ दे के आता है, वो आप एक अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आप वहाँ अकेले हो, आपके साथ सिर्फ मेहता साहब हैं और कोई नहीं। तो साहब 2004 में आप पाकिस्तान से आए थे, वो इस बार ज़्यादा प्यार मिला कि तब ज़्यादा था? तब भी बहुत प्यार मिला, लेकिन इस बार उससे बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि इस बार उन्हें ये लगा कि ये बहुत बहादुरी वाला काम है, किसी ने ये कदम उठाया है, और कुछ उनको मेरे टेलीविजन से, मेरी क्रिकेट से, और जो मेरी जिंदगी रही है पिछले 30 साल से, वो एक ओपन बुक की तरह है, कुछ उससे उन्हें बहुत विश्वास था और अच्छा लगा मुझे। तो ये लॉन्ग वे जाएगा विजिट आपको लगता है, क्योंकि बड़ी पॉजिटिविटी आपने वहाँ दिखाई, चाहे जो मर्जी यहाँ बोला जा रहा था आपके विजिट के बारे में, लेकिन आपने वो शोल्डर्स डाउन नहीं किए। एक बात आप समझ लो कि अगर आप दुनिया को जवाबदेही हो गए तो आपके विरोधी हर जगह हैं, जिनको पता है कि और कोई तोड़ ही नहीं है भाई, मतलब वो विरोध वो यहाँ भी होता है, हर जगह होगा, लेकिन आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और वो काम करना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सके, कुछ फ़र्क डाल सके, बेहतर कर सके। अपने लिए तो भाई जानवर भी जीता है, कोई जाके बात तो रखे, बातचीत से ही होगा ना, दूर संपर्क ही तोड़ा रखोगे तो संदेह पैदा ही होगा ना, तो जब संपर्क टूटता है तो फिर संदेह के धरातल पे सब कुछ बिखर कर जाता है। जैसे सरकार नहीं बनी है वहाँ पाकिस्तान में, आपको लगता है डायलॉग होना चाहिए अब? भाई डायलॉग इज द ओनली वे आउट, व्हाट इज द अदर वे टेल मी? कंट्रीज हैव कम बेटर, देखिए आप जर्मनी को देखिए, जर्मनी कोरिया को देखिए, जब वो देश जुड़ना चाहते हैं, फिर सबसे बड़ी बात है कि जब इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो सब आगे आएंगे, लेकिन ये फैसले हमारे नहीं है। एक दोस्त जाके वहाँ ये सब कुछ महसूस करके आया है, प्यार मोहब्बत 100 गुना ज्यादा लेके आया है, तो वो तो आके यही कह सकता है ना कि यार वो कदम उठा लो, यही सिफारिश कर सकता है ना, और क्या कर सकता है? तो वो सिफारिश पुरजोर तरीके से मैंने कर दी, चाहे वो दरियाओं के राही कर दी, चाहे किसी और तरीके से कर दी, लेकिन वो मैंने अपने अंदाज में अपने तरीके से कर दी। और किसी तरह से भी देश के किसी नियम की उल्लंघना नहीं की। अगर वो मुझे फोन करके ये ना बताते कि आपको परमिशन मिली तो फिर बात कुछ अलग थी, समझे मेरी बात? हर चीज पूरी करके फिर गए हैं उधर, और एक हिस्टोरिक इवेंट था, मान सम्मान वाली बात। सो ये थे नवजोत सिंह सिद्धू, जो पाकिस्तान का दौरा ख़त्म करके आए हैं। उन्होंने बोला बड़ा पॉजिटिव माहौल था, लोगों ने बहुत प्यार दिया, इमरान खान और जनरल बाजवा ने भी पॉजिटिव बात की, और जो करतारपुर लांगे की बात है, अभी गुरु घर के दर्शन पंजाबी कर सकेंगे, उस इनिशिएटिव को उनको लगता है कि ये लॉन्ग वे जा सकता है अगर ये हो जाता है। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, ABP न्यूज़ अमृतसर। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।